पाकिस्तान की सुपरस्टार नीलम मुनीर मेरे साथ हैं और हम एक ड्रामे के सेट पर मौजूद हैं एक यूनिवर्सिटी में। मोम का दिया, दिल मोम का दिया ऐसा ड्रामा था जिसमें नीलम मुनीर ने शानदार अदाकारी की और ये साबित किया कि ये हर तरह के मुश्किल से मुश्किल किरदार बहुत आसानी से कर सकती है। और मजे की बात यह है कि अदाकारी में इस तरह डूब जाती है कि इनको पता नहीं होता कि दाएं बाएं क्या हो रहा है। और अश्क ड्रामा हम कर रहे थे तो अश्क ड्रामे में ये मेरी बेटी बनी हुई थी और रेशम भी बेटी बनी हुई थी, तो रुखसती का सीन था, बहुत जज्बाती, हम रो रहे थे और यहाँ रुखसती करते करते इन्होंने आगे कहीं भागना था, तो नीलम ने जज्बात में आकर जब भागना शुरू किया तो इनके दुपट्टे पे मेरा पांव आ गया। इन्होंने ये मुड़ के नहीं देखा, पांव आ गया दुपट्टा खींच जाएगा, मैं मुड़ के देखूं, नहीं, इन्होंने दुपट्टा ही खींच लिया और वो फर्श था, सर्दियां थी और मेरे पांव हवा में लहरा रहे थे और मैं धड़म से नीचे था और ये निकल गई आगे। ये है परफॉर्मेंस में डूबी हुई फिल्म। एग्जैक्टली, बहुत हमें मजा आया था और वो सीन तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती क्योंकि मुझे था कि अब एक्शन हो गया है, पीछे क्या हुआ मुझे बाकी पता नहीं चला है। मैंने कहा चलो आगे बढ़ो। मजे की बात है ये तो आगे बढ़ गई, लेकिन जिस वक्त इन्होंने बाद में सारे ने कैमरा रोक दिया, टेक हो गई, सब इकट्ठे हो गए, वे क्या हुआ, मुझे उठा रहे थे तो आई बड़ी हमदर्दी से उठाने के लिए, क्या हुआ आपको चोट तो नहीं आई? मैंने कहा नहीं चोट नहीं आई, मैं उठकर खड़ा हो गया। उसके बाद जो हंसी का दौरा शुरू हुआ तो फिर 6-7 रिटेक के बाद जाकर हमने टेक करवाई थी। और उसके बाद अभी तो ये एक वाक्य है ना हमारे पास, इससे भी ज्यादा फनी हुआ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे दोबारा और एक नई बात लेकर आएंगे। यस, अब वापस ऑलरेडी आ चुके हैं, मेरी बड़ी जबरदस्त याद है मोहसिन सर के साथ अश्क ड्रामा था, जरूर देखिएगा यूट्यूब पे अभी भी होगा और वो सीन आपने लाजमी देखना है, वो बारात का सीन था और वो जो होता है हीरोइन भागती हुई जा रही है तो बस वो ही था। और ये जज्बाती थी, बस इन्होंने सोचा कुछ भी नहीं है, मैंने भाग जाना है और भागते भागते बस 6 फीट का बंदा गिरा। मैं सोच भी नहीं सकती। अब बस मुझे पता, लिटरली मुझे सर लगा कि पीछे कुछ हुआ है, डायरेक्टर कहते कट कट, मैं भी बड़ी हीरोइन थी, अपना शॉर्ट चल रहा है, देख ले बस। इंशाल्लाह आपको इस ड्रामे की जो हमारी गुफ्तगू हुई, गपशप हुई और इन्होंने अपने मोबाइल से जो वीडियो बनाई और उसके बाद जो हुआ तो वो मैं आपको बताऊंगा।